इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहडोल जिले से बड़ी खबर है। बुढ़ार बिजली विभाग के जेई सुखबदन विश्वकर्मा साहब बिजली की वसूली को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। किस प्रकार की कुर्की की कार्यवाही कर रही है बिजली विभाग के अधिकारी, नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। जेई बुढ़ार, क्या नियमों को दरकिनार करके बिजली की वसूली की जा रही है? किस प्रकार गरीब आदिवासी बहुमूल्य जिले के लोगों को जेई के तानाशाही सहनी पड़ रही है? आखिरकार किस अधिकारियों के संरक्षण में जेई साहब का रुतबा आसमान से भी ऊपर है? वीडियो वायरल होते ही जैतपुर विधायिका मनीषा सिंह ने भी प्रपत्र लिखकर उच्च अधिकारियों को भेजा, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी क्षेत्रीय विधायक तक नहीं चल पा रही है। क्या मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी क्षेत्रीय विधायक की नहीं सुन रहे अधिकारी भारी पड़ रहे क्षेत्रीय विधायकी पर? क्या विधायिका कार्यवाही करवा पाएगी या फिर मनीषा सिंह के प्रपत्र से जे के ऊपर कार्यवाही होगी? फिर क्षेत्र की जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। कुछ अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद भी अधिकारी कार्यवाही करने से बचते नजर आए। आखिरकार कमीशन खोरी के चक्कर में अधिकारी कार्यवाही करने से बचते नजर आए। क्या साहिब के टेबल में महीना पहुंचता है इसलिए कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं उच्च अधिकारी? इंडियन टीवी न्यूज पर घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। इनकी बिजली का बिल बकाया राशि 22,000 होने के कारण इनका जो है ये सामग्री जो है जब्त की जा रही है। आप उठवा से रखवाइए, नहीं तो फिर पुलिस वाले बुलवाए तो फिर पुलिस से वो करवा। साहब ऐसा है, हाँ, मैं आज दरअसल एक रोज के टाइम दे दे, पैसा मिल जाए, काम के काम करे गए नहीं काम, चल चल रखवाओ तुम। अरे काल तुम्हार पैसा मिल जाए, काल जमा पैसा सब रखवाओ। अब यार मैंने ऐसा थोड़ी ना है, शासन का है, एक रोज के टाइम दे दे ये नहीं। अगर कल निवेदन कर लिए होते तो अपन कहे काहे को करते हैं? कल निवेदन कर लेते हम नहीं जाने, लकड़ी इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।